जुलाई का महीना चल रहा है और दिल्ली में मॉनसून दस्तक दे चुका है, साथ ही कल से सावन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन मॉनसून आने की घोषणा के बावजूद दिल्ली एनसीआर में ना तो बारिश हुई और ना ही दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल रही है। हवा में नमी का स्तर अब भी 60% बना हुआ है। बारिश हुआ है, आई थिंक मौसम गर्म है, डेफिनेटली गर्म है, बट आफ्टर अ बिट ऑफ रेनफॉल, मतलब थोड़ा बारिश होने के बाद ऐसा मौसम है कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और आज संडे है और इंजॉय करना भी चाहिए सबको। तो जिस हिसाब से मौसम अपने चेंजेस ले रहा है, दो इट्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लोगों को समझना चाहिए। आज नहीं समझेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, सावन का महीना है, खूब हरियाली और पानी बरसता था, अच्छा लगता था। इस बार अब ऐसा नहीं होता है कि पानी बंद, मतलब बरसा थोड़ा गया फिर चले गए, गर्म बहुत होने लगा। पहले नहीं गर्म इतना होता था क्योंकि ठंडा हो जाता, लगता था कि सावन आ गया, अब ठंडी मतलब शुरू हो रही। बहुत से मुश्किल, गर्मी में निकलना मुश्किल होता है, पैदल चलना मुश्किल होता है। हम लोग आसाम से आए हैं, अभी गर्मी की वजह से देख नहीं पा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून की अच्छी बारिश तो देखने को मिली, लेकिन मानसून वाली बारिश का इंतजार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जुलाई यानी कि सोमवार तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हो सकता है 11 जुलाई यानी मंगलवार को हल्की बारिश हो, लेकिन इससे हवा में नमी कम नहीं होगी, यानी अभी दिल्ली एनसीआर वालों को उमस वाली गर्मी से दो चार होना पड़ सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।